Welcome to all of you in DSEJ home classes. I am Harpreet Singh, Master Teacher of Biology. तो आज हम बात करेंगे जो हमारा टॉपिकल रह गया था, that is hormones and hormones in animals. तो हमने वहाँ कल हमने 5 तक किए थे, तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे और इसका मैकेनिज्म देखेंगे किस तरह से काम करते हैं हार्मोन्स, उनका फीडबैक दैट इज बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव फीडबैक. तो चलो स्टार्ट करते हैं अब जो हमारे रह गए उनके ऊपर. सो द फर्स्ट हार्मोन इज द पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके, दैट इज द सिक्स्थ ग्लैंड. सो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसकी पूरी डिटेल हम बात करेंगे क्या क्या होता है. सो सबसे बात करेंगे पिट्यूटरी की लोकेशन. सो पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड बिलो द ब्रेन. सो एज फार एज द पोजिशन इज कंसर्न इट इज प्रेजेंट बिलो द ब्रेन. तो ब्रेन के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होगा. ओके, तो साथ आप स्क्रीन में इसकी वीडियो फोटो भी देखते रहेंगे, इसका जो मैंने यहाँ पे वीडियो लगाई है वो भी देखते रहेंगे साथ साथ. सो अगर हम बात करें साइज की, तो साइज ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड इज अबाउट द साइज ऑफ द पी. तो आपने पाइसम सेटिवम जिसको मटर बोलते हैं, तो उसके अगर सीड देखा होगा तो उतने ही साइज का होता है. लेकिन इसके साइज पे मत जाइए क्योंकि इसका साइज इतना छोटा है लेकिन काम पूरी बॉडी को ये कंट्रोल करता है. दैट्स व्हाट इज आल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड. इसको मास्टर ग्लैंड का भी नाम दिया गया है. ओके, सो अब बात करेंगे शेप की. तो मैंने अभी बोला कि शेप इसकी पी शेप होती है, इसकी पी जो का सी जो सीड होता है उसकी तरह इसकी शेप होती है. बात करेंगे कलर की, तो कलर की बात करें तो कलर इसका जो होता है दैट इज रेडिश ग्रे इन कलर. सो रेडिश ग्रे इसका क्या हो जाएगा, कलर होगा. ओके, सो बिल्कुल सिंपल है यहाँ पे. मैंने बिल्कुल नोट्स भी आपके बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाए हैं यहाँ पे. सो अगर हम बात करें अटैचमेंट की, तो ये किसके साथ अटैच होता है. जब मैं आपको ब्रेन का ये स्ट्रक्चर पढ़ा रहा था नर्वस कोऑर्डिनेशन, तब मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ब्रेन होता है वहां पे क्या होता है, हाइपोथैलेमस. तो हाइपोथैलेमस डाइनसेफलॉन का ही पार्ट था और ये हाइपोथैलेमस जो था इसके साथ एक एक्सटेंशन बॉडी थी. मैंने एक क्या होता है स्टॉक होती है, ये स्टॉक आ गई और उस स्टॉक के साथ अटैच होता है दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड. तो ये आ गया पिट्यूटरी ग्लैंड. ओके, और दिस इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस. बिल्कुल सिंपल. तो अगर हम हाइपोथैलेमस को देखें तो हाइपोथैलेमस के साथ अटैच है पिट्यूटरी, उसके नीचे वाली साइड विद द हेल्प ऑफ ए स्टॉक. तो एक स्टॉक होता है, यहां से आगे सेक्रीशंस भी जाएंगी हाइपोथैलेमस की, वो मैं अगले टॉपिक में बताऊंगा आपको. सो अटैच्ड टू द हाइपोथैलेमस बाय अ स्टॉक. नेक्स्ट आ गया कि अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ब्रेन के अंदर है, छोटा सा ऑर्गन है, रेडिश ग्रे इन कलर है. एक आप बोल सकते हो हाइपोथैलेमस के अटैच है ये. ओके, और हमने बोला कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मास्टर ग्लैंड का नाम दिया है. तो बात आते हैं क्यों इसको मास्टर ग्लैंड बोला है, कितनी सेक्रीशन ये करता है, किस हमारे किस किस पार्ट को ये कनेक्ट करता है, किस किस ऑर्गन को स्टिम्युलेट करता है. तो अब हम बात करेंगे इसके पास क्या होता है, तीन लोब्स होती है, यहां से क्लियर होगा. सो अगर हम बात करें तो वहां पे आप देखोगे पिक्चर में इसको तीन लोब में डिवाइड किया गया है. एक लोब आपको दिख रही होगी वहां पे, दैट इज द इंटीरियर लोब. इंटीरियर होगी थोड़ी सी ऊपर वाली साइड. एक होती है इन दोनों के बीच में, दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट लोब. और एक होती है नीचे की साइड थोड़ा अलग, दैट इज कॉल्ड पोस्टीरियर लोब. सो वी हैव थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ लोब्स इन द पिट्यूटरी ग्लैंड, फर्स्ट इंटीरियर, इंटरमीडिएट एंड द पोस्टीरियर लोब. ओके, यहां तक ले. अब तीनों की तीनों लोब जो है वो सेक्रीशंस भी अलग अलग करती हैं. ओके, अब हम बात करेंगे कि एंटीरियर लोब. तो जो एंटीरियर लोब वहां पे आप डायग्राम देखो, यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन देखो, इसको मैं और आगे एक्सप्लेन करता हूँ. सो अगर हम बात करें एंटीरियर लोब की, तो एंटीरियर लोब के अंदर हमारे पास पहला जो हार्मोन आता है जो सीक्रेट करता है, क्योंकि दीज आर द एंडोक्राइन ग्लैंड. सो एंडोक्राइन ग्लैंड की जो सेक्रीशंस होती है दे आर द हार्मोन्स. सो द फर्स्ट हार्मोन द फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, FSH का नाम देते हैं, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन. तो नाम से पता चलता है कि ये करेगा क्या. तो ये दोनों को, ये दोनों जो सॉरी ये जो हार्मोन है फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, ये अगर हम बात करें मेल की, तो मेल में फॉलिकल का मीनिंग क्या होता है, फॉलिकल का मीनिंग होता है कि जो गैमिट्स होते हैं स्पर्म और एग, उससे पहले की जो स्टेज होती है उनको फॉलिकल्स का नाम देते हैं. तो ये उन फॉलिकल को स्टिम्युलेट करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स इन केस ऑफ मेल एंड फॉर्मेशन ऑफ ओवर एग इन केस ऑफ द फीमेल्स, इजंट इट. ओके, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन्स. अब सेकेंड फंक्शन ऑफ द एंटीरियर लोब इज टू प्रोड्यूस ए हार्मोन, एंड दैट हार्मोन इज द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH. सो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है वो मेल और फीमेल में दोनों में काम करेगा. तो क्या काम करेगा, अगर मेल की बात करें तो मेल के अंदर यही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन वहां पे लेडिक सेल्स होते हैं टेस्टिस के अंदर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो टेस्टिस होते हैं, गुनेड्स होते हैं, उनमें सेल्स होते हैं लेडिक सेल्स. सो वो लेडिक सेल्स को स्टिम्युलेट करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ
एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। आपको पता है ये टेस्टोस्टेरोन जो होते हैं मेल के अंदर, तो वो पवर्टी के दौरान मेल के जो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स होते हैं, जब मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उनकी पूरी डेवलपमेंट करते हैं वो, ओके, तो ताकि उनके अंदर मेच्योरिटी आ सके। सो वो किसका काम होता है? ल्यूटिनाइजिंग का। तो ये जो अगर मेल के अंदर, अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल के अंदर वी गोनेड्स है, दैट इज ओवरी, और ओवरी के अंदर बनते हैं एग। जब एग बन जाते हैं तो उस एग ने ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल्स वो रिलीज होने होता है। सो उस रिलीज प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन। सो वो एग जो फेलोपियन में आते हैं उस प्रोसेस में यही हार्मोन मदद करेंगे, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। सो इट हेल्प्स इन ओव्यूलेशन एज वेल एज फॉर्मेशन ऑफ द हार्मोन्स, फीमेल हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरोन एज वेल एज एस्ट्रोजन। अब इनको मैं डिटेल में बताऊं तो थोड़ा मुश्किल हो, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम सेल होते हैं वो बनाते हैं, जो हमारे फॉलिकल्स होते हैं वो बनाते हैं। लेकिन आप सिंपल याद रख सकते हो कि ये काम करता है ओव्यूलेशन का, मींस एग को रिलीज करवाता है, और साथ ही साथ फीमेल सेक्स हार्मोन्स जो होते हैं दैट इज प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन को बनाने में मदद करता है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब हम बात करेंगे सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन थर्ड, इसको आप ग्रोथ हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। इसका टारगेट सेल होता है हर एक बॉडी का टिश्यू, क्योंकि हर एक बॉडी टिश्यू चाहता है कि मैं क्या करूं, ग्रोथ करूं। सो उस ग्रोथ के लिए ये सेल सामने आएगा, सॉरी हार्मोन सामने आएगा एंटीरियर पिट्यूटरी से और ग्रोथ करेगा। सो सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द टिश्यू, ओके, इन द सेल डिफरेंशिएशन ऑफ द टिश्यू, सब मदद करेगा। नेक्स्ट आएगा प्रोलैक्टिन। सो नाम से पता है प्रोलैक्टिन इज कंसर्न विद द सिक्रीशन ऑफ मिल्क, ओके। अब फीमेल जो होते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी उनके मेमरी ग्लैंड होते हैं, उनमें सिक्रीशन ग्लैंड प्रिपेयर होते हैं फॉर द मिल्क प्रोडक्शन। तो उनको प्रिपेयर करना, उन ग्लैंड की मैचुरेशन करना, साथ ही साथ उन ग्लैंड को आफ्टर बर्थ जो एक बच्चा बेबी होता है जो मिल्क सक करता है मदर से, तो उसको बनाने में भी कौन मदद करेगा? प्रोलैक्टिन। सो प्रोलैक्टिन का फंक्शन होता है दैट इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द मेमोरी ग्लैंड एज वेल एज सिक्रीशन ऑफ द मेमोरी ग्लैंड और मिल्क आफ्टर बर्थ, चाइल्ड बर्थ, ओके। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द प्रोलैक्टिन। नेक्स्ट आ गया थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको आप बोलते हो TSH, थायराइड। थायराइड मतलब थायराइड, आपको पता ग्लैंड है, कल हमने पिछले लेसन में पढ़ा था, थायराइड को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन, क्योंकि जब तक ये हार्मोन नहीं आएगा थायरोक्सिन रिलीज नहीं होगी। तो पिट्यूटरी आएगी और थायराइड को स्टिमुलेट करेगी थायरोक्सिन को निकालने के लिए, ओके। सो ये ग्लैंड क्या करता है? इट हेल्प इन द स्टिमुलेशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड फॉर द सिक्रीशन ऑफ द थायरोक्सिन, उसको मदद करेगी ताकि थायरोक्सिन रिलीज कर सके, ओके। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द एंटीरियर लोब। तो ये हार्मोन रिलीज करेंगे और हार्मोन के फंक्शन क्या होंगे, यहां तक क्लियर है? अब हम बात करेंगे आगे, दैट इज मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। द नेक्स्ट लोब इज द इंटरमीडिएट लोब, द इंटरमीडिएट मींस बिटवीन द टू लोब्स। सो जो इंटरमीडिएट लोब है बड़ी छोटी लोब होती है, उसकी सिक्रीशन भी एक ही है हमारे पास। सो दैट इज का ये जो हार्मोन सिक्रीट करेंगे वो कौन से? मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सो इट इज कंसर्न्ड विद द सिक्रीशन ऑफ द मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन दैट मिलेनिन इज अ पिगमेंट, आपको पता ही है। तो ये क्या करता है? हमारे स्किन के अंदर जाके मेलेनिन को सिक्रीशंस करवाता है, और मेलेनिन एक ऐसा बोल सकते केमिकल है, पिगमेंट है, जो हमारी बॉडी को ब्लैक कलर देता है। तो जिसमें जितना ज्यादा मेलेनिन सिक्रीट होगा उसके अंदर उतना ब्राउनिश कलर होगा, ब्लैकिश कलर होगा। तो वो किसके कारण होता है? दैट इज मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन के कारण। और इस ये कहां पे प्रेजेंट होता है? ये इंटरमीडिएट लोब ऑफ द पिट्यूटरी में प्रेजेंट होता है। द लास्ट लोब इज द पोस्टीरियर लोब, और अगर हम बात करें द सिक्रीशन ऑफ द पोस्टीरियर लोब इज द ऑक्सीटोसिन हार्मोन एज वेल एज द वैसोप्रेसिन। सो व्हाट इज द ऑक्सीटोसिन? सो ऑक्सीटोसिन इज कंसर्न विद द फीमेल, ओके, ये फीमेल हार्मोन है, फीमेल से कंसर्न करता है। इसका काम क्या है? तो इसको हम चाइल्ड बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं और इसको मिल्क एजेक्टिंग हार्मोन भी बोलते हैं। तो नाम से ही पता चल गया होगा ऐसा क्यों, क्योंकि ये हार्मोन जो ऑक्सीटोसिन होता है तो ये एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ जो परपेचुएशन होती है उस दौरान ये यूट्रस जो होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। तो जब यूट्रिन कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो उस टाइम क्या होगा, जो चाइल्ड होगा वो पास आउट होगा। तो इट मीन्स कि यही है जो फीमेल्स के अंदर पेन जो होती है लास्ट में, वो इसी हार्मोन्स के कारण होती है, दैट इज
चाइल्ड बर्थ में मदद करेगा। ओके दूसरा आ गया कि जब चाइल्ड बर्थ होगा तो उस चाइल्ड को मिल्क भी चाहिए ओके अपनी न्यूट्रिशन के लिए, तो वो जो मिल्क को स्क्रीट करवाना मेमोरी ग्लैंड से वो भी किसका काम होता है ऑक्सीटोसिन का। सो ऑक्सीटोसिन इज कंसर्न विद द दैट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्री ड्यूरिंग द परपेचुएशन एज वेल एज इट इज ऑल्सो कंसर्न विद द स्क्रीशन ऑफ द मिल्क ड्यूरिंग आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। सो इसलिए इसको नाम दिया चाइल्ड बर्थ ग्लैंड और द दूसरे बोले मिल्क एजेक्टिंग हार्मोन बोलते हैं इसको। नेक्स्ट आ गया हमारे पास वैसोप्रेसिन। सो लास्ट हार्मोन जो पिट्यूटरी का वो आ गया वैसोप्रेसिन। सो वैसोप्रेसिन को एक और नाम देते हैं हम, इसको बोलते हैं एंटी डायुरेटिक हार्मोन। एंटी डायुरेटिक हार्मोन तो ये क्या काम करता है, ये यूरिन जो होता है जब हम यूरिन को पास आउट करते हैं उसमें कम से कम पानी होना चाहिए, ये काम इसका होता है। ओके सो मीन्स ये कैसे पॉसिबल है, तो ये क्या करता है किडनी के अंदर नेफ्रॉन के अंदर मैक्सिमम वाटर की रीअब्सॉर्प्शन कर देता है। सो द रोल ऑफ दिस हार्मोन इज टू रीअब्सॉर्ब मैक्सिमम वाटर इन द नेफ्रॉन। सो नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। सो किडनी के अंदर अगर पानी ही बाहर आ जाएगा तो नेचुरल बात है जो यूरिन के अंदर जाएगा तो पानी का जो वाटर उसका अमाउंट थोड़ा कम होगा। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द वैसोप्रेसिन और एंटी डायुरेटिक हार्मोन। सो ये था हमारा पूरा पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके स्ट्रक्चर्स क्या हैं, उसके हार्मोन्स कौन से हैं, उनकी लोब्स कौन से हैं। तो मुझे लगता है ये छोटा सा एक स्ट्रक्चर है आपका, बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर है और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो द नेक्स्ट ग्लैंड इज द हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस को हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। सो हाइपोथैलेमस है क्या, इट इज अ पार्ट ऑफ द डायनसेफलॉन। तो अगर हम डायनसेफलॉन की बात करें जिसके तीन पार्ट थे हाइपोथैलेमस एपिथैलेमस एंड थैलेमस। सो ये अगर हम बात करें तो मान लो कि हमारे पास क्या है, ये आ गया हाइपोथैलेमस, ठीक है ये आ गया हमारे पास हाइपोथैलेमस। तो ये हाइपोथैलेमस जो होता है ये अटैच होता है, ये हमने बात की इसके साथ पिट्यूटरी के साथ। ओके सो अगर हम बात करें कहां पे है ये आ गया बिलो द डायनसेफलॉन। तो डायनसेफलॉन का जो सबसे नीचे वाला बेस होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। सो दिस इज हाइपोथैलेमस। और सेकंड कनेक्टेड टू द इंटीरियर एंड पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। तो ये एंटीरियर जो अभी हमने पढ़ा पिछले टॉपिक में, एंटीरियर पोस्टीरियर लोब से अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ स्टॉक, और ये आ गया पिट्यूटरी। सो दूसरा पॉइंट हो गया इट इज कनेक्टेड टू द पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर बात आती है पिट्यूटरी से कनेक्टेड क्यों है, क्योंकि ये पिट्यूटरी की जितनी भी सिक्रीशंस होती हैं उन सभी सिक्रीशंस को रेगुलेट करता है। ओके उनको ये बंद भी करवा सकता है और उनको ये स्टार्ट भी करवा सकता है। सो द फंक्शन ऑफ द हाइपोथैलेमस इज आइदर टू स्टार्ट और टू स्टॉप द हार्मोन्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके सो ये इसका फंक्शन भी हो गया। नेक्स्ट प्रोड्यूस न्यूरो हार्मोन्स। तो ये एक न्यूरो हार्मोन प्रोड्यूस करता है। ओके न्यूरो इज कंसर्न विद द ब्रेन दैट पासिस टू द पिट्यूटरी एंड कंट्रोल इट्स सिक्रेशंस। जो हार्मोन्स जाएंगे पिट्यूटरी के पास और इनका काम कुछ नहीं है, सिर्फ पिट्यूटरी को बोलना पर ये वाला हार्मोन रिलीज कर और ये वाले हार्मोन की सिक्रेशन को बंद कर दे, बस इतना काम है इसका। ये कोई बॉडी के और ऑर्गन में नहीं जाएगा जैसे पिट्यूटरी के हार्मोन जा रहे, ठीक है ये नहीं जाएगा, सिर्फ पिट्यूटरी के हार्मोन्स को सिक्रेशन को बंद कराएगा या फिर उसको चालू करवाएगा। नेक्स्ट आ गया कि ये जो होते हैं हमारे पास हाइपोथैलेमस, ये दो तरह की सिक्रीशंस करते हैं, नेचुरल सी बात है। क्यों, क्योंकि अगर इसको किसी को बंद करवाना है तो अलग तरह के हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, अगर किसी को प्रोसेस को स्टार्ट करवाना है तो अलग तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस करेगा। सो ऑन दैट बेसिस इट इज डिवाइडेड टू टू पार्ट्स, फर्स्ट इज द रिलीजिंग हार्मोन एंड सेकंड इज द इनहिबिटरी हार्मोन्स। सो अब अगर ये रिलीज करवा रहा है और इनहिबिट करवा रहा है, किसको करवा रहा है, पिट्यूटरी को, किसको, पिट्यूटरी के किसी हार्मोन को, तो वैसे ही नाम होंगे जैसे पिट्यूटरी के हार्मोन्स के नाम थे। एग्जांपल देता हूं आपको एक, जैसे मान लो कि आपने पिट्यूटरी में पढ़ा था, पिट्यूटरी में पढ़ा था TSH, याद करो क्या है जल्दी से, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब थायराइड आ गया यहां पे, ये ग्लैंड है, उस ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए पिट्यूटरी हार्मोन भेजती थी। अब पिट्यूटरी को कौन हार्मोन भेजेगा, हाइपोथैलेमस। तो हमने नाम रख दिया रिलीजिंग हार्मोन में कि ये वो हार्मोन है जो पिट्यूटरी से हार्मोन को रिलीज करवाएंगे, जैसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, मतलब ये पूरे का पूरा आ गया किसके अंदर, दैट इज हाइपोथैलेमस में। लेकिन अगर हम इतना देखें सिर्फ तो ये किसके अंदर है, पिट्यूटरी के अंदर। ओके सो RF मतलब रिलीजिंग फैक्टर की मतलब ये पिट्यूटरी के पास जाएगा, भाई साहब आप इस हार्मोन को रिलीज करो, किस हार्मोन को, थायराइड को स्टिमुलेट करने वाले हार्मोन को। ओके तो ये कर देगा। लेकिन अगर मान लो कि वहां पे ज्यादा हो जाता है,
ब्लड के अंदर थायरॉक्सिन ज्यादा रहता है तो फिर क्या होगा, तो फिर तो पिस्टरी को बंद करना पड़ेगा। लेकिन पिस्टरी को बंद कौन करवाएगा, कौन करवाएगा, दैट इज थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन इनहिबिटरी फैक्टर। वो भी कहां से आएगा, इनहिबिटरी हार्मोन से आएगा। इनहिबिटरी होता है मना करना, तो वो दोनों के दोनों इसके पास है, मतलब एक बलों का स्विच हमारे पास है। जैसे मैंने बोला ऑन, तो मैंने स्विच ऑन किया ऑन हो गया, मैंने ऑफ किया तो ऑफ हो गया, तो वो दोनों किसके पास है, हाइपोथैलेमस के पास। ओके, इसी तरह से आपने वहां पे पढ़ा था फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो फॉलिकल एगोस्पर्म को बनाने में मदद करते थे, कौन रिलीज करता था, पिस्टोरी। लेकिन आज आप देख रहे हो इसके ऊपर भी एक बैठा हुआ है हाइपोथैलेमस, वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर रिलीज कर रहा है ताकि ये हार्मोन रिलीज हो सके, और अगर ज्यादा रिलीज हो जाए तो ये क्या करेगा, उसको बंद भी करवा सकता है बाय इनहिबिटरी फैक्टर, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनहिबिटरी फैक्टर्स। ओके, इस तरह से सारे के सारे ये वही हार्मोन है जो अपने पिछड़ में पड़े थे, लेकिन साथ में लगाना पड़ेगा रिलीजिंग फैक्टर और इनहिबिटरी फैक्टर्स। ओके, सो यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, मेलेनोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, और इनका अपोजिट आ गया इनहिबिटरी फैक्टर। सो ये चीज को रिलीज करवाएंगे पोस्टीरियर लोब, एंटीरियर लोब को, और ये उनको हार्मोन्स के लिए मना करेंगे। सो दिस इज द रोल ऑफ द हाइपोथैलेमस। इसलिए बोलते हैं कि पिट्यूटरी तो मास्टर ग्लैंड है, लेकिन उसके ऊपर भी एक ग्लैंड बैठा है जो उसको भी कंट्रोल कर रहा है। ओके, सो दिस इज द शॉर्ट कंसेप्ट ऑफ द हाइपोथैलेमस। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द होम्योस्टेसिस एंड द फीडबैक मैकेनिज्म। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ए नॉलेज अबाउट द व्हाट इज होम्योस्टेसिस। सो होम्योस्टेसिस मींस कीपिंग द इंटरनल केमिकल इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी कॉन्स्टेंट, कि हमारी बॉडी का जो अंदर का इन्वायरमेंट होता है, केमिकल इन्वायरमेंट होता है, वो कॉन्स्टेंट रहना चाहिए। सो एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा, ऐसे आपको पता नहीं चलेगा। तो हम, और ये कौन कर सकता है, सो इट इज अ ड्यूटी ऑफ द हार्मोन्स। तो ये हार्मोन्स ही हैं जो हमारे बॉडी का, हमें बिना बताए ही हमारे बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट को कॉन्स्टेंट रखते हैं। ओके, कैसे रखते हैं वो एक एग्जाम्पल देखो बताऊंगा। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक डेफिनेशन देखिए यहाँ पे, उसके बाद आपको बताया मैकेनिज्म। तो अगर हम यहाँ पे मैकेनिज्म की बात करें, तो हम एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं होम्योस्टेसिस के अंदर, सिक्रीशन ऑफ द थायरॉक्सिन। सो थायरॉक्सिन एक हार्मोन है जो सिक्रीट करता है थायराइड ग्लैंड, और आपको पता है थायराइड ग्लैंड किस किस स्टिमुलस पे काम करता है। सो इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी का कौन सा लोब करता है, एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी। तो मैं पीछे जा रहा हूँ, फिर बताता हूँ, आगे एक्सप्लेन करता हूँ। और पिट्यूटरी के जो एंटीरियर लोब है उसको कौन कंट्रोल करता है, इट इज कंट्रोल बाय द हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस का कौन सा हार्मोन करेगा, दैट इज TSHRF, थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। तो ये था, अब मैं इसको पूरा डिटेल बताता हूँ। तो सबसे पहले आप ये ऊपर देख रहे होंगे कि जब भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो, कोई भी बाहर का स्टिमुलस जिसके कारण हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होना चाहिए, हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शन होनी चाहिए, तो उसके लिए थायरॉक्सिन चाहिए। ओके, क्या चाहिए, थायरॉक्सिन चाहिए। तो हमारी बॉडी को, एक ब्रेन को, हमारे नर्वस सिस्टम को एक मैसेज मिलेगा कि भाई साहब आपके बॉडी के अंदर ये रिएक्शन होनी है, इसके लिए हमें हार्मोन चाहिए। तो फिर क्या होगा, साथ साथ देखते रहेंगे आप, तो फिर क्या होगा, जो नर्वस सिस्टम है वो उसकी ड्यूटी बनती है, वो किसको बोलेगा, क्योंकि सबसे ऊपर बैठा हाइपोथैलेमस, सो हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेगा। सो द ब्रेन और द नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट द हाइपोथैलेमस फॉर इट्स सिक्रीशन, विच रिलीजिंग फैक्टर, दैट इज रिलीजिंग फैक्टर को रिलीज करवाएगा। अब कौन से ऑर्गन को स्टिमुलेट होना है, दैट इज थायराइड को। तो इट मीन्स उसके अंदर एक हार्मोन है जिसका नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। तो ये वाला फैक्टर जो होगा, ये रिलीज करेगा कौन, हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस से ये जाएगा कहां पे, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, क्योंकि वो हार्मोन तो पिट्यूटरी के पास है, तो पिट्यूटरी बैठी हुई है, सोई हुई है, तो उसको जगाएगा। सो इट स्टिमुलेट द, स्टिमुलेट मतलब जगाना, एक्टिव करना, सो इट स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड, विच लोब, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, फॉर द सिक्रीशन ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो हाइपोथैलेमस ने पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करवाया, स्टिमुलेट करवाया फॉर द सिक्रीशन ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, अब पिट्यूटरी क्या करिए, अब खुद तो वहां पे जा नहीं सकती, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड है, और एंडोक्राइन ग्लैंड के पास डक्ट तो होती नहीं है, इसलिए वो पिट्यूटरी क्या करेगी, अब अपने उस हार्मोन को ब्लड को दे देगी। सो ब्लड पोस्टमैन की तरह काम करेगा, वहां से उठाएगा पोस्ट को, वहां से उठाएगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और जाएगा दौड़ता दौड़ता किसके पास, थायराइड के पास।
कहेगा थायराइड को, बोलेगा ये ले भाई साहब आपके ब्लड को थायरोक्सिन की जरूरत है, ओके सो वो थायराइड को स्टिमुलेट कर रहा है, तो उसको जगाएगा, स्टिमुलेट करेगा, सो जैसे ही थायराइड स्टिमुलेट हुआ इट सीक्रेट थायरोक्सिन, उसने ब्लड में थायरोक्सिन छोड़ दिया, और थायरोक्सिन कहां गया, टारगेट सेल के पास, यहां से मैसेज आया था कि मुझे कुछ चाहिए, तो अब वो टारगेट सेल कोई भी हो सकता है जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म होना चाहिए, होना शुरू हो गया क्योंकि पीछे से ऑन है, हाइपोथैलेमस ऑन, पिट्यूटरी ऑन, थायराइड ऑन, और थायरोक्सिन रिलीज हो रही है, लेकिन एक टाइम आएगा कि थायरोक्सिन की अमाउंट अब नहीं चाहिए क्योंकि जितना काम होना था वो हो गया, अगर अब भी होता रहेगा तो कोई ना कोई प्रॉब्लम बन जाएगी, डिजीज लग जाएगी, ओके सो अब फिर से थायरोक्सिन क्या करेगा, जितना उसको चाहिए था उसने काम करेगा, थायरोक्सिन एक चुगली लगाएगा, एक मैसेज देगा ब्लड के थ्रू ही किसको, हाइपोथैलेमस को, भाई साहब मुझे जितनी रिक्वायरमेंट थी मैं हो गया हूं, काम हो गया सारा, अब इसको बंद कर दो, तो अब थायरोक्सिन क्या करेगा, सॉरी हाइपोथैलेमस क्या करेगा, पहले उसने रिलीजिंग फैक्टर रिलीज किया था, स्विच को ऑन किया था, अब स्विच को ऑफ करने वाला हार्मोन रिलीज करेगा, दैट इज द नेगेटिव फीडबैक, ओके पहले क्या था पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव होता है रिलीज करवाना, अब बंद करवाना है, तो हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा TSHIF इनहिबिटरी फैक्टर्स, सो इनहिबिटरी फैक्टर कहां जाएगा, पिट्यूटरी के पास, तो पिट्यूटरी को कहेगा भाई साहब बंद करो बड़ी ज्यादा हो गया रिलीज, तो वो पिट्यूटरी क्या करेगा, बंद कर देगा, किसको बंद करेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, जो थायराइड को जगाता था उसको स्टिमुलेट करता था, अब ब्लड के पास कोई जाएगा नहीं, तो ब्लड पहले लेके जा रहा था स्विच ऑन वाला, अब तो गया ही नहीं, अब जैसे वहां पे लास्ट मॉलिक्यूल नहीं पहुंचेगा कौन सा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन वाला, तो थायराइड देखा पीछे तो मुझे स्टिमुलेट करने वाला कोई आया नहीं, तो वो भी क्या हो जाएगा, क्लोज बंद हो जाएगा, तो थायरोक्सिन ब्लड के अंदर कम हो जाएगी, सो पहले बढ़ी थी तो बढ़ने का बोलते पॉजिटिव, दैट इज पॉजिटिव फीडबैक, लेकिन अब कम हो गई है, क्यों कम हुई, क्योंकि रिक्वायरमेंट है ही नहीं, सो अब क्या हो गया, नेगेटिव फीडबैक, तो दोनों काम कौन कर रहा है, दैट इज ब्रेन, तो मैंने एक क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में किया था, हमारी बॉडी पूरी तरह से काम करती है मेडिसिनल की, स्टार्टिंग में बोला था, और मैंने आपको बोला था हर वीडियो में बोलता कि मैं आपको साथ साथ ये चीजें बताता रहूंगा, अगर आप अच्छा सोचते हो आपकी बॉडी में हार्मोन्स रिलीज होंगे, पॉजिटिव रिलीज होंगे, और आपकी बॉडी हर टाइम अच्छी रहेगी, आपकी बॉडी में अच्छे अच्छे हार्मोन निकलेंगे, आप अच्छा फील करोगे, लेकिन अगर आप नेगेटिव सोचते हो, अगर आप नेगेटिव थिंकिंग रखते हो, अगर हर समय आप स्ट्रेस में रहते हो, तो आपके हार्मोन क्या करेंगे, जो बैलेंस चल रहा है पॉजिटिव नेगेटिव वाला, ये नहीं चल पाएगा, जो हार्मोन रिलीज हो रहा है क्या होता, होता ही रहे, क्योंकि आपका ब्रेन उसी साइड लगा हुआ है, तो उस कारण क्या होगा, आपको 10 बीमारी लग जाएंगी बिना कुछ गलत चीजें खाए, इसलिए लोग कहते हैं कैंसर होता है तो किसके कारण होता है, जो लोग गलत चीजें खाते हैं, तो वो तो होता ही, मैं कहता हूं आपको खुद भी हो सकता है अगर आप नेगेटिव सोच रखते हो, तो अपनी सोच को अच्छे रखो, और ये जो आप बायो पढ़ रहे हो, मैं बोलता हूं बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन मजा तभी आएगा जब आप इसको अपने साथ जोड़ के पढ़ोगे, अपनी बॉडी के इतने सारे फंक्शंस हैं उनको समझोगे और उनके अकॉर्डिंगली एक्ट करोगे तो मजा आएगा, ओके सो दिस इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस एंड फीडबैक मैकेनिज्म, एक एग्जांपल से समझाया मैंने, सिर्फ एक एग्जांपल से, ऐसी हर हार्मोन के ऊपर ये एग्जांपल सेट बैठेगी, ओके सो हमारे पास ही है कि हम हार्मोन को रिलीज भी करवाएं और हमारे पास ही हम उनको इनहिबिट भी कर सकते हैं, सो इट्स ऑल अपॉन द ब्रेन, तो अपने ब्रेन को अच्छी तरह से इस्तेमाल करो, ओके थैंक यू, तो अगर आपको अच्छी लगती है वीडियोस तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर करें, क्वेश्चंस को पूछें, अगर बच्चे पढ़ रहे हैं इन चीजों को, ताकि मुझे भी थोड़ा सा एंथुसियाज्म मिले, एनर्जी आएगी और मैं और अच्छी तरह से बनाऊंगा, ओके थैंक यू वेरी मच।